दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मदर्स एंड सुमी सिस्टम लिमिटेड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मदर्स एंड सुमी के अंदर आज एक बड़ी अपडेट्स निकल कर आई है और कह सकते हैं इस न्यूज़ का इम्पैक्ट हमें आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मदर्स एंड सुमी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो क्या है वो न्यूज़ और मदर्स एंड सुमी के अंदर हो रही लगातार गिरावट के कारण क्या अब आपको इसके अंदर फ्रेश पोजीशंस बनाना चाहिए, या अगर आपने फ्रेश पोजीशंस बना रखी है तो क्या इसके टारगेट्स और रेजिस्टेंस निकल कर आ रहे हैं, सारी चीज़ों को डिटेल में इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको उस न्यूज़ की तरफ ले चलता हूँ जो कि मदर्स एंड सुमी की तरफ से निकल कर आई है। सबसे पहले आप यहाँ पर डेट कंफर्म कर सकते हैं, 18 अगस्त 2021 आज ही के दिन की ये न्यूज़ है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो न्यूज़ निकल कर आई है ये NSE और BSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर कंपनी की तरफ से ही प्रेस रिलीज पब्लिश करी गई है, जिसमें आप देख सकते हैं वी आर प्लेस्ड टू इन्फॉर्म दैट मदर्सन ग्रुप्स हैज जॉइंड द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल इम्पैक्ट टू फर्दर सेगमेंट स्ट्रेंथन इट्स कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, अ प्रेस रिलीज ऑन 18 अगस्त 2021। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मदर्सन ग्रुप ने यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ एक डील साइन करी है, कंपनी की स्ट्रेंथिंग एंड कमिटमेंट को यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं दिस अनाउंसमेंट फर्दर बिल्ड्स ऑन मदर्सन कमिटमेंट टू इट्स एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस, यानी कि ESG प्रोग्राम्स टू बिल्ड मदर्सन फॉर द लॉन्ग टर्म टू बी अ कंपनी दैट आवर एम्प्लॉयज कस्टमर्स कम्युनिटीज एंड इन्वेस्टर्स आर प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मदर्स एंड सुमी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई है, जो उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ डील साइन करी है, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं मदर्स एंड सुमी के जो यहाँ पर चेयरमैन हैं मिस्टर विवेक चांद सेगल, उनकी तरफ से भी जो स्टेटमेंट निकल कर आया है, जिसमें आप देख सकते हैं टू सेट न्यू स्टैंडर्ड्स इन गुड कॉरपोरेट सिटीजनशिप हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर मिशन सिंस 1995 एंड बाय जॉइनिंग द UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट वी कंटिन्यू टू फर्दर स्ट्रेंथन एंड लॉन्ग स्टैंडिंग कमिटमेंट टू सोशल एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। मदर्सन इज प्राउड टू जॉइन द UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट एंड एज अ सिग्नेटरी वी will be integrating the principles of the compact into our business practices with the objective of creating a sustainable and equitable world that we all want. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मदर्स एंड सुमी की तरफ से जो UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट के साथ ये डील आपको देखने को मिल रही है, ये जो जॉइनिंग इन्होंने करी है, इससे कंपनी को फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता वाला है एज अ सोशल एनवायरमेंटल एंड यहाँ पर बात करें तो सस्टेनेबिलिटी के अंदर भी कंपनी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हालांकि मदर्स एंड सुमी के अंदर पिछले एक महीने से लगातार हो रही गिरावट, यानी कि पिछले एक महीने में शेयर्स लगभग 12-13% तक क्रैश हो चुका है, जिसके कारण अगर आप इसके RSI लेवल और MFI लेवल को भी देखेंगे तो यहाँ पर ये भी ओवरसोल्ड जोन में जाते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जो ये न्यूज़ निकल कर आई है, इससे मदर्स एंड सुमी के अंदर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आपको कुछ पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ मदर्स एंड सुमी को लेकर ICICI डायरेक्ट ने भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 270 रुपीज़ के टारगेट यहाँ पर मदर्स एंड सुमी के दिए हैं, यानी कि अगर करंट शेयर प्राइस से आप इसके अंदर फ्रेश पोजीशंस बनाकर चलते हैं तो यहाँ पर आपको 270 रुपये के टारगेट आने वाले 2-3 महीनों में देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं आप ICICI डायरेक्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि मदर्स एंड सुमी प्रायरली सर्व्स ग्लोबल PV इंडस्ट्री विथ वायरिंग हैरनेसेस विजन सिस्टम्स एंड प्लास्टिक बॉडी पार्ट्स इज की प्रोडक्ट लाइन हिस्टोरिक ऑफ सक्सेसफुल टर्न अराउंड इन एक्विजिशन एंड इनऑर्गेनिक लेड ग्रोथ SMR PVV ऑर्डर बुक वॉज एट 15.6 बिलियन एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। तो यहाँ पर कंपनी ने जो एक्विजिशंस करी थी उससे यहाँ पर मदर्स एंड सुमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, और उनकी ऑर्डर बुक की बात करी जाए तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है। साथ ही साथ मदर्स एंड सुमी ने जो 10 अगस्त 2021 के दिन अपने Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं, रिजल्ट बहुत ही शानदार रहे हैं। रेवेन्यू के अंदर 88% की ग्रोथ, नेट इनकम के अंदर 289% की ग्रोथ,
ईपीएस के अंदर भी 135% की ग्रोथ और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर भी 118% की ग्रोथ। यानी कि ओवरऑल कंपनी फाइनेंशियल नंबर्स के कंपेयर में बिल्कुल भी वीक नहीं है, कंपनी बहुत शानदार ग्रो कर रही है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि शेयर्स अभी एक कंसोलिडेशन फिगर में यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप निफ्टी 50 के बाकी दिग्गज शेयरों की भी बात करें तो वो भी बुरी कदर यहाँ पर पिटा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर लर्निंग के साथ चलना होगा, तभी आप शेयर मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाएंगे और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। हालांकि मैं अभी भी आपको यही कहना चाहूँगा कि मदर्स एंड सुमी के अंदर जो आपको ये गिरावट देखने को मिल रहा है ये शॉर्ट टर्म की गिरावट है। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली आपको यहाँ पर 270 रुपीज़, जो कि शेयर्स का 52 वीक का हाई है, वो वापस अचीव होते हुए देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ मदर्स एंड सुमी ने पिछले एक साल के अंदर 71% तक के पॉजिटिव रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर्स को बनाकर दिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि शेयर्स अभी क्रैश हो रहा है तो ये आपकी पूरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को ख़त्म कर देगा। अगर आप इस पे भरोसा रखेंगे, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल्स नंबर्स हैं वो काफ़ी स्ट्रांग है, और साथ ही साथ कंपनी की जो एक्विजिशन और यहाँ पर आज ही के दिन हमें जो यूएन के साथ कंपनी ने यहाँ पर एक डील साइन करी है, जिससे यहाँ पर कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। मदर्स एंड सुमी को लेकर रिसेंटली ICICI सिक्योरिटीज़ ने भी, आप देख सकते हैं, 11 अगस्त 2021 के दिन ही 312 रुपये के टारगेट भी यहां पर दिए थे। तो यहां पर अगर ब्रोकरेज फर्म्स की बात करी जाए तो वो भी मदर्स एंड सुमी को लेकर काफ़ी बुलिश हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आपको इस गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए, और अगर आपने मदर्स एंड सुमी के अंदर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो मैं आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बताने जा रहा हूँ उनको ध्यान में रखते हुए आप इस शेयर्स के अंदर फ्रेश पोजिशंस बना सकते हैं। मदर्स एंड सुमी के जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल निकल कर आ रहे हैं, जिसमें पहला रेजिस्टेंस 219 रुपये 33 पैसे का, दूसरा रेजिस्टेंस 222 रुपये 52 पैसे का, और तीसरा रेजिस्टेंस 226 रुपये 13 पैसे का निकल कर आ रहा है। साथ ही साथ सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट 212 रुपये 53 पैसे का, दूसरा सपोर्ट 208 रुपये 92 पैसे का, और तीसरा सपोर्ट 205 रुपये 73 पैसे का निकल कर आ रहा है। शेयर्स ने अपने 235 रुपये के सपोर्ट को भी यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। लेकिन अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि क्या शेयर्स 200 रुपये के लेवल्स के ऊपर सस्टेन कर पाता है या नहीं। अगर आपने मदर्स एंड सुमी के अंदर 240-250 रुपये से इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर 270 रुपये के लेवल से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो यहाँ पर आप पेशेंस बनाए रखिए और अपनी पोजिशंस को होल्ड करके रखिए। डेफिनेटली आपको यहाँ पर कुछ पॉजिटिव रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। मदर्स एंड सुमी की अगर कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात करी जाए तो इस शेयर को लेकर 86% बाय की कॉल और 2% होल्ड की कॉल, यानी कि ओवरऑल 88% एनालिस्ट इस शेयर्स को लेकर रिकमेंड कर रहे हैं। तो यदि आपने मदर्स एंड सुमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।